हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोड्यूस। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे, अमेजन की तरफ से एक नई जॉब अपडेट आई है। कस्टमर केवाईसी सपोर्ट का एक जॉब है। अब केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, इसे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जॉब कह सकता हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। यहाँ पे कोई भी फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कहेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जॉब की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे जो जॉब रोल है दोस्तों, कस्टमर केवाईसी सपोर्ट का, तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात कर ले हम तो लिखा हुआ है जॉब समरी, दिस रोल इज आइडल फॉर अ कैंडिडेट लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस विथ एन एक्साइटिंग डायनेमिक कंपनी। द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द कस्टमर। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यू डिलीजेंस चेक्स एंड रिव्यू केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कस्टमर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपको कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। मतलब आपको यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी आउट कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर डिफाइंड एसओपी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग केवाईसी चेक्स एंड कंप्लीटिंग एनहेंस ड्यू डिलीजेंस। दोस्तों, यहाँ पे परफॉर्म नेसेसरी चेक्स एंड रिपोर्ट पोटेंशियल फ्रॉड कस्टमर। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करना होगा, कहीं ये फ्रॉड नहीं है, कहीं ये गलत तो नहीं है, और जो हमारे पास डेटा होगा, जो कलेक्शन होगा कस्टमर का, उसे मेंटेन करना होगा, कहीं मतलब कॉन्फिडेंशियली रखना होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो अमेजन की पॉलिसी फॉर सिक्योरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका पालन करना होगा। दोस्तों, अ डे इन द लाइफ लिखा हुआ है कैरी आउट कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर डिफाइंड एसओपी। दोस्तों, यहाँ पे एग्जिबिट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस, इंश्योर एक्यूरेट एंड टाइमली प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ केवाईसी रिक्वेस्ट। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, और इसका जो जॉब लोकेशन दिया गया है वो बैंगलोर दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशन कि आप अगर फ्रेशर हैं या ग्रेजुएट हैं, 0 से 2 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस है, और आपको कस्टमर फेसिंग इन्वायरमेंट ऑपरेशन को आप हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी एंड अटेंशन टू डिटेल। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एबिलिटी टू वर्क एंड असाइंड स्केड्यूल दैट फॉल्स विद इन अवर ऑपरेटिंग आवर इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड। दोस्तों, यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो 5 दिन का होगा, जैसे कि 2 दिन ऑफ रहता है, और आपको किसी भी टाइम, जैसे कि अगर शेड्यूल आपका किया जाए जैसे डे में नाइट में, तो आप यहाँ पे करने में एबल रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन वो तो बता ही दिया है ऊपर की, एनी ग्रेजुएशन, नॉलेज ऑफ केवाईसी प्रोसेस एंड रिलेटेड आरबीआई रेगुलेशंस इज अ प्लस पॉइंट, एक्सपर्टाइज इन बोथ गिविंग एंड रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव एक्शनेबल फीडबैक दैट प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब बेसिक कंप्यूटर आपको जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट आपको आनी चाहिए, बेसिक्स तो इतना कंप्यूटर में आना ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे कोई गूगल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका इस पे आईडी होना चाहिए अमेजन पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि मतलब 3 से 4 लाख पर एनम दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको जॉब की जरूरत हो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।